जनता दल यू पार्टी की नैयत डूब चुकी है। नीतीश बाबू के साथ हम लोग थे तो नीतीश बाबू का स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी बढ़िया कर रहे थे, और जब से हम लोग छोड़े हैं और जिस तरह के लोग उनको घेरे हुए हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और बिहार काम के मामले में भी सटी हो गया है। उनका एक प्रवक्ता बोल रहा है कि अगर नीतीश बाबू को इज्जत दिया होता तो कांग्रेस की हालत नहीं होती, तो यही ना होता कि 43 वोट जो जेडीयू को आया उनको मिलता। पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ते मध्य प्रदेश में, वोट कितना था 43। बीजेपी को 3 राज्यों में जीत मिली, बहुमत मिला, जनादेश ने उनको अपनाया, तो अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, सलाह मशविरे होने लगे हैं और अब आत्ममुग्ध होकर के लोग अपने पीठ भी थपथपा रहे हैं और सलाह भी दे रहे हैं, बड़े बड़े मशविरे दे रहे हैं। आरसीपी सिंह ने भी सीएम नीतीश के बारे में बड़ा बयान दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आप लोगों को विस्तार से सुनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। जी हां, सीएम नीतीश के पुराने साथी आरसीपी सिंह की बात मैं कर रहा हूं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जब सीएम नीतीश कुमार हमारे साथ थे उनका स्वास्थ्य बढ़िया था, पार्टी बढ़िया थी, काम बढ़िया होता था, लेकिन उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर सीएम नीतीश कुमार को इज्जत दी होती तो इतनी करारी हार नहीं होती। आप सुन सकते हैं आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी दूसरे प्रदेश में चुनाव लड़ते मध्य प्रदेश में, वोट कितना था 43, और उनका एक प्रवक्ता बोल रहा है कि अगर नीतीश बाबू को इज्जत दिया होता तो कांग्रेस की हालत नहीं होती, तो यही ना होता कि 43 वोट जो जेडीयू को आया उनको मिलता। देखिए स्थिति ये है कि बिहार में मैंने पहले भी कहा कि जनता दल यू पार्टी की नैयत डूब चुकी है, और देखिए समझिए नीतीश बाबू जब एनडीए में थे नीतीश बाबू के साथ हम लोग थे तो नीतीश बाबू का स्वास्थ्य भी अच्छा था, काम भी बढ़िया कर रहे थे, और जब से हम लोग छोड़े हैं और जिस तरह के लोग उनको घेरे हुए हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और बिहार काम के मामले में भी सटी हो गया है, तो ये तो समझिए उनके जितने आसपास लोग हैं वो नीतीश बाबू को भी कहीं कहीं छोड़े हैं। क्या बोले सीएम नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, बेहद करीबी रहे हैं आरसीपी सिंह, आज वो उनका साथ छोड़ चुके हैं, बीजेपी के साथ हैं, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ में हैं और 3 राज्यों में जीत मिली है, तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहना शुरू किया कि जब मैं साथ था हम साथ थे तो सीएम नीतीश कुमार का स्वास्थ्य बढ़िया था, काम बढ़िया होता था, आज काम के नाम पर भी फिसड्डी हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार, उनको ऐसे लोगों ने घेर रखा है कि उनकी सेहत भी खराब रहती है, दिमाग भी खराब रहता है, तो तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं देश में। अब बीजेपी ने अपना परचम लहराना शुरू किया है, 3 राज्यों में उनकी जीत हुई है और बयानबाजियों का दौर शुरू है, सलाह मशविरे भी दिए जा रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ, धन्यवाद।